आज हम बात करने वाले हैं अपने कंपोस्ट के बारे में, जो कि होममेड कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट हम जो तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं। ये देखिए कितने बेस्ट वेस्ट क्वालिटी का जो है वर्मी कंपोस्ट मैंने तैयार किया है, कंपोस्ट, और जो कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी का कंपोस्ट है। इसके बारे में बताने वाला हूँ वीडियो में कि किस तरीके से आप ऐसा कंपोस्ट बना सकते हैं घर पर ही। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी सारे दो वीडियो बना चुका हूं मैं कि वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट जो कि किचन वेस्ट से आप और लीफ कंपोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो जैसे कि मैंने इसका पहला पार्ट जो जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक जो है कंपोस्ट बिन जो कि मैंने घर पर ही बनाया था, तो उसका जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कंपोस्ट बिन तैयार किया था और किचन वेस्ट आप उसमें किस तरीके से रख सकते हैं और उसमें भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ये जो मेरी कंपोस्ट है, ये मैंने जो कंपोस्ट बिन में मेरे किचन वेस्ट जो इकट्ठा हुआ था, तो उसके बाद कुछ समय के पश्चात ही मैंने इसको जो है ज़मीन में गाड़ दिया था एक गड्ढे के खोद करके। तो उसको आप गाड़ भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बेहतर मिट्टी के साथ रिजल्ट मिले, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसका। तो और अगर आप चाहें तो इसको आप कंपोस्ट बिन में भी रेडी कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास औपचारिक रास्ते हैं, आप किसी भी तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं। तो मैंने ये जो है वैसे भी कंपोस्ट बनाई थी कंपोस्ट बिन में, जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आप नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। और ये मेरी जो है अब फाइनल जो वीडियो है कंपोस्ट के ऊपर कि मैंने किस तरीके से ये मिट्टी में गाड़ दी थी लीफ और किचन वेस्ट जो मेरा हो गया था, उसका जो नीचे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो निकलता है इसके नीचे से, तो वो भी मैंने निकाला था। उसके बाद जो है मैंने इसको एक गड्ढे में खोद करके गाड़ दिया था, तो उसके बाद जो है इसके बाद का रिज़ल्ट ये है, लगभग जो है 6 या 7 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं ये किस तरीके से मैंने इसको जो है इतने टाइम तक जो है समय तक गढ़ा रहने दिया, और उसके बाद मैं इसको छान रहा हूँ आग छलने की मदद से। तो इसको ही मैं यूज़ करता आ रहा हूँ अब काफ़ी सारी, अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जिक्र किया कि ये मेरी होममेड जो है किचन वेस्ट की जो है कंपोस्ट है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया था, पर मैं आज इसका जो है वीडियो सोचा कि आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया जाए कि किस तरीके से इसको जो है निकाला जा सकता है और प्योर बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक तरीके से जो है मैंने इसको जो है बनाया है। तो ये खुद ब खुद धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाती है, कम से कम 6 महीने का समय लगता है अगर आप साबुत इंग्रेडिएंट्स अगर आप डालते हैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं ये मोटा मोटा जो हमारा बचा है, अगर आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, पर हम इसे इस्तेमाल में नहीं लेंगे और इसे हम दोबारा से उसी जगह पर रख देंगे जहाँ से हमने इसको उखेड़ा था, एक गड्ढा जो हमने खोद करके लगाई थी। तो दोस्तों ये हमारा जो था अब जो हमने छान के तैयार कर लिया है, तो अभी हमने जितना तैयार किया है हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही ये ले पाएंगे। अभी इसके बाद हम जब आगे बनाएंगे तो फिर हम इसी तरीके से चाहें तो इसी तरीके से बनना। मैं अब आपको एक और नई टेक्निक के साथ जो है बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से कंपोस्ट आप घर पर रेडी बना सकते हैं। ये हमारी कैमरा मैन है दक्षा अक्षा फातिमा, और ये आइए तो मैं आपको दिखाऊं कि इसको जो है कंपोस्ट को आप स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए। ये अभी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ये काफ़ी समय से, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट परिणाम भी है, और ये एक नंबर कंपोस्ट बन करके रेडी हुई है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन ये जो है किचन वेस्ट का कंपोस्ट होता है, और इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है, इसके अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा कंपोस्ट के ऊपर वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।